अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य भारत भूषण पांडे ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार कई चीजों पर विफल रहा है। साथ में उन्होंने हिंदू को अल्पसंख्यक बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस आरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से जीतता हूं तो बहुत से विकास का कार्य करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर आचार्य भारत भूषण पांडे ने चर्चा किए, आज सुनते हैं। आइए ना बैठ जाइए, इसी पर आइए। आज 2 मिनट और केवल मैं पहले दे दूं। बताइए जो आरा में करना जरूरी है, सके सुलभ हो सके, उपलब्ध हो सके, इस प्रकार के सांसद की यहाँ कमी है। जो भी काम दिखाई दे रहे हैं आरा में, वो काम बक्सर में भी हुए हैं, अन्य स्थानों में भी हुए हैं। सड़क परिवहन और रेल परिवहन का काम है, वो किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। आपने आरा के विषय में पूछा है, यहाँ बलराम भगत जी और बाकी बड़े बड़े यशस्वी लोग यहाँ से प्रतिनिधि हुए हैं और उन लोगों ने देश में बड़ा इस क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। पोस्ट ऑफिस, उसकी बिल्डिंग, स्टेशन, रेलगाड़ियां रुकना, ये सब पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। पहले जिस प्रकार का मापदंड था वैसे होते थे, आज जिस प्रकार का है वैसे हो रहे हैं। आप कौन से मुद्दे को लेकर के? मैं आरा में भारतीय ऋषि कृषि परंपरा का, कृषि का औद्योगिकरण, पर्यटन उद्योग, गोपालन, इसको लेकर इतना बड़ा केंद्र के रूप में आरा को विकसित करना चाहता हूं कि न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे आर्यावर्त, नेपाल इत्यादि के लोगों को भी या एक आई ओपनर के रूप में एक आंख खोलने वाली तस्वीर पेश करे और आरा में विकास की जो सही गति है वह पूरे देश को समझ में आ सके। अच्छा, वर्तमान जो अभी परिदृश्य है उसमें स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, आप ऋषि कृषि इन सबों की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी फेल है, जो गांव सरकार ने गोद लेने की योजना बनाई थी सांसदों द्वारा, वो भी फेल है और स्मार्ट सिटी बुरी तरह से फेल है और उसका प्रत्यवाय माने रिएक्शन, दुष्परिणाम सामने आ रहा है। वो दुष्परिणाम है, युवक जो है दिशाहीन है, सोशल साइट पर ज्यादा लगे हुए हैं। और लेकिन जो चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी है उनका कहना है, उनका समर्थकों का, वो चुनाव जीत करके बैठे हुए हैं, पहले ही सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है, तो फिर इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, अपने से सभी प्रत्याशी दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बहुत सारे लोग नोटा की भी तैयारी कर रहे हैं, मुझसे वो लोग संपर्क में हैं और उनका कहना है कि भाजपा के प्रत्याशी सुलभ नहीं है, उनसे कोई जनहित का काम होता नहीं है, कई प्रकार के आडंबर हैं और यदि माले के प्रत्याशी हैं वे जीतते भी हैं तो न नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे न राहुल गांधी की, तो वो वोट एकदम नकारा हो जाएगा। चुनकर भेजती है तो क्या आ रहा, क्या हमने तो क्लियर कर दिया कि हम ओपन हैं, सबके साथ हैं, हम तो देश के लिए सोचने वाले हैं। आपको मैं छोटा एक उदाहरण दे देता हूं कि सीपीएम ने न्यूक्लियर ट्रेटी पर मनमोहन सिंह सरकार से संबंध तोड़ दिया, सोमनाथ चटर्जी को कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, स्पीकर थे। यदि सीपीएम वो ऐसा कर सकती है तो आज की तारीख में सीपीआईएमएल किसी बनने वाली सरकार को मदद करेगी, इसकी कोई संभावना नहीं है, तो आरा फिर पिछड़ जाएगा। तो आप भी जीतेंगे तो आप भी केंद्र सरकार, मैं तो किसी की मदद कर सकता हूं क्योंकि हम सरकार की नहीं, हम मुद्दों की मदद कर, हमारे मुद्दे जितने दूर तक सबके साथ मिलेंगे उनकी हम मदद करने को तैयार हैं। हमारा किसी से न परहेज है न किसी से प्रेम है, लेकिन बाकी लोगों का चरित्र संदिग्ध है। आरा के लोग वोट करें, आपको जिताएं, फिर क्या आधार होगा, मुद्दे क्या होंगे खास आरा के लिए? आरा के लोगों का सबसे बड़ा आधार तो ये है कि सबसे पुराना प्रत्याशी यहाँ मैं हूँ, पिछले 20 वर्षों से हर चुनाव में हम लोग लड़ते रहे हैं, विधानसभा लोकसभा, हम और हमारे, ये पिछली बार विधानसभा में हमारे प्रत्याशी थे अजय कुमार पाठक, तो हम यहाँ लगातार लोगों के बीच में है, लगातार संघर्ष में है। सबसे तो पहला मुद्दा यही है कि प्रत्याशी वही हो, जो पहला आधार तो ये है, उसके बाद लोगों के सबसे अधिक संपर्क में मैं हूँ, इसलिए उनकी समस्याओं से मैं रूबरू हूँ। आपके अनुसार पिछले तीन दशक से जनसंघ स्थापित है इस देश में, पिछले 3 दशक से लेकर के अभी तक कोई ऐसा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जनसंघ की ओर से कोई एक ऐसा मतलब कि यह जो कार्य किया गया हो और सबके हित में वो यूज हुआ हो? हमने सारे कार्य, जब किसानों की हत्याएं हो रही थी, आत्महत्याएं, तो उस पर हमने पहल की सबसे पहले, यहां से लेकर वहां तक, दिल्ली तक। अब हमारी बातें आज की तारीख में अनसुनी हो जाएं। बेरोजगार पर सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया,
एससी एसटी में जो अमेंडमेंट आया उसके लिए हम धरना पर बैठे। आरक्षण को खत्म करने की सबसे पुरानी मांग हमारी है, डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर मुखर्जी ने मांग की थी, हमारे संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी ने। हम आपकी सफलता की बात कर रहे हैं, पूरे तीन दशक में, पूरे तीन दशक में हमारा संघर्ष का ही इतिहास है और संघर्ष को ही हम सफलता मानते हैं। क्योंकि ऐसा एक पॉइंट बताइए जिस पे जनसंघ ने मतलब की लड़ाई लड़ी हो और उसमें सफलता मिली हो पूरे देश के हित में, वैसा जजमेंट कोई बताइए। उस लेवल की लड़ाई लड़ने की स्थिति हम लोगों की नहीं आई, जिस संघर्ष की लेवल की स्थिति है वो संघर्ष हम तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, शर्म की भी बात नहीं है, हम संघर्षरत ही सफल। ये मानते हैं कि भोजपुर में विकास नहीं हुआ है, जो भी विकास हुआ आर के सिंह की देन नहीं है, रेल और ये सड़क, ये मानते, ये विभागीय है, ये होना था होगा, ये तय है आपके अनुसार जी। लेकिन इसी जिले में पिछले तीन दशक से मैंने की तो बात छोड़ ही दीजिए, फिलहाल इधर साल एक साल के अंदर में जितने